नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग बात करेंगे यार, जो सेंटर ऑफ पॉइंट की हम लोग खोजने की बात करते हैं ना, कि जैसे पहले यूनिट में हम लोगों ने देखा कि उसका केंद्र बिंदु था, तो हम लोगों ने टीचर और शिक्षक के कुल मिला के व्यवहार या फिर गुण को देखा था। तो इस बार हम लोग देखेंगे कि दूसरा जो यूनिट है, यूनिट 2, यूनिट 2 का सेंटर पॉइंट। ये क्या है यूनिट? रिसर्च एप्टीट्यूड। इसका सेंटर पॉइंट क्या है? तो हम लोग सबसे पहले ये जानने करेंगे कोशिश, हम लोग जैसे पता है कि रिसर्च का उद्देश्य क्या होता है, हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि रिसर्च का उद्देश्य क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इससे हमको क्या लाभ होने वाला है। हमेशा आपके माइंड में यही होना चाहिए, रिसर्च हम क्यों कर रहे हैं, इससे क्या हम लोग को लाभ होने वाला है और इसका विशेषताएं क्या है। तो हम लोग देखेंगे जैसे इसमें रिसर्च की विशेषताएं की बात करेंगे, इसके इर्द गिर्द हम सोचेंगे और इसका सवाल का आंसर यहीं से देने की कोशिश करेंगे। तो रिसर्च का उद्देश्य क्या होता है? नई खोज करना, ये होता है हम लोग का रिसर्च का एक उद्देश्य की नहीं, या फिर नई घटना से परिचय, ये हम लोग का ये। तो जो सेंटेंस में अगर दिया रहेगा तो कुछ ऐसा मिल रहा है हमको कि नई घटना से हम लोग खोज रहे हैं या फिर कोई नई घटना से परिचय हम लोग को मिला, तो आप वहां पर टिक करेंगे, ठीक है ना। वर्तमान ज्ञान का संश्लेषण, इसमें और क्या होता है? वर्तमान ज्ञान का हम लोग क्या करते हैं? संश्लेषण करते हैं। इस तरह से कोई शब्द आए और ऐसा समझ में आए कि जो हमारा रियल मतलब अभी करंट में जो हम लोग का नॉलेज है उससे हम लोग किस तरह एनालिसिस कर रहे हैं, वो हम लोग का रिसर्च का उद्देश्य होता है। तो यहां से ऐसे अगर सवाल बने तो उसको आप उसके नजदीक आप जाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे कि आप लोग को और क्या लगता है रिसर्च से और क्या हो सकता है। तो एक तरह से अगर देखा जाए, रिसर्च मतलब क्या होता है? रिसर्च मतलब एक नॉर्मल सामान्य मुद्दे को एक जटिल मुद्दे या फिर विश्लेषण की ओर ले जाना, ये आपका क्या है? सेंटर ऑफ पॉइंट है। सामान्य मुद्दे का विश्लेषण करना, ये है कि नहीं है? है। फिर उसके बाद और रिसर्च का हमारा क्या उद्देश्य होता है? रिसर्च के ये उद्देश्य होते हैं कि एक ये नई प्रक्रिया या फिर नया सिस्टम को डेवलप करना, ये हम लोग का होता है नई खोज। वही हो गया, नई नया नया खोज या फिर उसका परिचय करवाना या फिर सृजन करना, सृजन, ये हम लोग का क्या होता है? रिसर्च के उद्देश्य होते हैं। तो इसके इर्द गिर्द सारे जो सवाल आपके रहेंगे और तो उसको आप सॉल्व करेंगे और आप ये समझने में एक सहायता होगा। और क्या रहेगा इसमें? सत्यता या फिर वैधता की हम लोग जांच करते हैं इसमें। ये खैर, ये अगर उद्देश्य की बात किया जाए तो रिसर्च के मेन उद्देश्य है, इसके इर्द गिर्द आपको रहना है। कोई भी प्रश्न आए, अगर किसी विचारक से आ जाए, किसी साइंटिस्ट से आ जाए, तो उसको छोड़ के उसमें भी आपको लॉजिक लगाना है। फिर इसकी अगर विशेषताएं की बात करें तो रिसर्च की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो हम सब लोग को मालूम है इसकी एक विशेषता सबसे बड़ी होती है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का ये मतलब, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में आपको आंसर पता है कि नहीं है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है और सब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मतलब होता है जैसा हम लोग एग्जाम देते हैं कि हर एक कोई भी एग्जाम देगा, चाहे 100 स्टूडेंट देंगे, लेकिन उसका आंसर अगर ए है तो ए ही रहेगा, डी है तो डी रहेगा, मतलब सबके लिए एक जैसा आंसर, ये वस्तुनिष्ठता। कोई भी चीज है, कोई भी रिसर्च, कोई भी हम लोग के ज्ञान है, तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, ये वस्तुनिष्ठता। और वो क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग सब्जेक्टिव बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सबके हिसाब से अलग होता है। जैसे मेंस का आपका पेपर होता है, ये सब्जेक्टिव पेपर है, तो उसमें क्या होता है कि कोई बच्चा कुछ लिखा है, कोई बच्चा कुछ लिखा है, कोई बच्चा कुछ लिखा है, सेम क्वेश्चन का अलग अलग उत्तर देना और अलग अलग उसको मार्किंग होती, तो वो आपका सब्जेक्टिव कहलाता है। वस्तुनिष्ठता मतलब कि आप ऑब्जेक्टिव इसीलिए कहते हैं, चाहे जो भी हो, उत्तर डी है तो डी है, चाहे जितने लोग दो, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव तो वस्तुनिष्ठ ज्ञान ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि सबके लिए समान होता है और है तो है। ये होता है आपका रिसर्च का एक उद्देश्य होता है, विशेष की होता है, ठीक, विशेषता। तो और क्या होते हैं इसमें? विश्वसनीयता। मैं ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूं कि आपको इस पेपर में कोई समस्या नहीं हो,
इसके इर्द गिर्द ही सारी चीजों आप दिमाग में रख के आप इसका आंसर दे सकते हैं। विश्वसनीयता, निश्चय वाचकता, वैधता, ये क्या रिसर्च या फिर अनुसंधान के क्या है, ये सब विशेषताएं हैं। वैधता हो गया, सामान्यीकरण, ये बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ा जटिल मुद्दा है इसको रिसर्च कर 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 करके बहुत सामान्य कर देना, ठीक है ना। ये अनुभवात्मकता, ये हुआ आपका विशेषता। उसके बाद फिर हम लोग क्या आएंगे कि एक दो, जैसे रिसर्च क्या होता है, हमेशा चक्री प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस होता है, जब तक नहीं सही हो जाता तब तक ये चलता रहता है, चक्रियता। अगर ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई है यूनिट टू में, ठीक है ना, कि क्या क्या रिसर्च एप्टीट्यूड या फिर रिसर्च मतलब कि आसपास घूमती हैं, तो ये सारी चीजें जो हमने बताया, वर्तमान में ज्ञान करना, नए सृजन करना, इसमें विश्वसनीयता होती है, निश्चय वाचकता होता है, सामान्यीकरण होता है, अनुभव का समावेश होता है, कार्य करना है, उसकी वैल्यू क्या है, समय का प्रबंधन क्या है, चक्रीय होता है, तो इसके इर्द गिर्द जो सेंटेंस आप उसमें आएंगे, तो आप इस सेंटेंस को अगर आपसे नहीं बन रहे होंगे तो आप इसके इर्द गिर्द जाके उसको आंसर देंगे, तो आपका निश्चित रूप से आप सटीक आंसर की ओर जाओगे। ये हुआ पेपर टू को, यूनिट टू को सॉल्व करने का तरीका, मतलब केंद्र बिंदु इसके ये है, इसके इर्द गिर्द आपको उत्तर देना है, ठीक है। बाकी जो आप पढ़े हैं आपको आ रहा है तो आप अपने हिसाब से उसको टिक कर सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे को यहाँ पर आप दिमाग में फीड करिए। और आप अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं ना बुक किसी, तो ये अगर देख लेंगे ना उसके बाद आप पढ़ेंगे तो आसपास चीजें इन्हीं की रहेंगी। तो यह रहा हमारा यूनिट नंबर टू का। ऐसे ही हम अगली यूनिट के एक सेंटर ऑफ पॉइंट को बात करेंगे। सेंटर ऑफ पॉइंट और थीम की अगर बात करें तो एक ही है। थीम का मतलब कि इसका एकदम से क्रीम कहा जाए कि हमको क्या करना है, तो ये सब क्रीम है यूनिट टू का, इसके इर्द गिर्द ही चीजें, ठीक है ना। ये आपका सेंटर ऑफ पॉइंट, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो भी कहे वही है, ओके। तो ये रहा यूनिट टू का। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना पेपर टू जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। पेपर टू में भी मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, मैं लाऊंगा, आपको बताऊंगा, मतलब आपको मेरे पढ़ाने के हिसाब से क्या लगता है मैं कौन से सब्जेक्ट का पेपर टू में वीडियो लाने वाला है, या फिर कौन से सब्जेक्ट का मैं हो सकता हूँ छात्र, ठीक है ना। अगर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर और कुछ देना हुआ, मान लीजिए नेट का एग्जाम देना हुआ, तो कौन से हम लोग सब्जेक्ट का मैं हो सकता हूँ, आपको मेरे पढ़ाने के हिसाब से क्या लगता है, ठीक है ना। तो हम लोग उसी का लाएंगे, वो एक्सपोज अभी नहीं करेंगे, बाद में हम लोग लाते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, आप इतना समझ गए, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।